और अब राज्यों की बड़ी खबरें देखेंगे। कहां से गिरफ्तार हुए 6 बांग्लादेशी, कहां वाहन चोरों के सरगना की, करोड़ों की संपत्ति पर चला योगी का हंटर, किस अस्पताल में सरकारी दवाइयां हुई एक्सपायर, कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता मौत केस में किसकी हुई गिरफ्तारी, कहां से पकड़ा गया 5 लाख का इनामी नक्सली और क्या है केरल और उत्तराखंड के मौसम का हाल। राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड मिले हैं, जबकि इनके पास से बांग्लादेशी सिम कार्ड भी मिला है। ये सभी लोग ग्रीन पार्क इलाके में रह रहे थे। पुलिस को शक है कि इनके तार आतंकी संगठन से जुड़े हो सकते हैं। कल इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। यूपी में बाहुबली और बड़े अपराधियों पर योगी सरकार का हंटर जारी है। कल सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाड़ी चोरी के कुख्यात सरगना नईम उर्फ गल्ला की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली। समाजवादी सरकार में गल्ला का खासा रसूख माना जाता था। वह पिछले 2 दशकों से गाड़ियां चोरी करवाकर स्पेयर पार्ट्स बेचने का गोरख धंधा कर रहा था। उसके खिलाफ कई राज्यों में 32 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी में बस्ती के जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बड़ी मात्रा में दवाएं बर्बाद हो गई। सरकार ने जो दवाएं 2018-19 में गरीबों को मुफ्त देने के लिए खरीदी थी, वो स्टोर में पड़ी पड़ी एक्सपायर हो गई। इन दवाओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि सदर अस्पताल के अधीक्षक इस मामले पर गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। भोपाल और दमोह के बीच राज्य रानी एक्सप्रेस फिर से शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भोपाल में कल शाम 5:55 पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस ट्रेन से हर रोज हजारों लोग सफर करते थे और इनके बंद होने के कारण काफी परेशान थे। गोरखपुर में कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता मौत केस में फरार 6 आरोपी विजय यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 लाख के इनामी दरोगा विजय यादव की गिरफ्तारी से अब मनीष गुप्ता केस में नामजद सभी 6 आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए विजय यादव ने हाईकोर्ट में पुलिस की FIR को चुनौती दी थी। दिल्ली में यमुना तट पर दिख रहे ये इजिप्टियन वल्चर हैं। भारत में इन्हें सफेद गिद्ध के नाम से पहचान मिली है। इनकी संख्या 53 है और इकोलॉजी के हिसाब से इनकी मौजूदगी अच्छा संकेत है। 90 के दशक के बाद से इनकी संख्या में लगातार कमी आती गई, लेकिन अब एक बार फिर इनकी संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। केरल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोयट्टम और इडुक्की जिले में जमीन धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। कोयट्टम में कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। वहाँ फंसे परिवारों को एयरलिफ्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राहत और बचाव के लिए दक्षिणी नौसेना कमान भी अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड पर अगले 72 घंटे भारी हैं। मौसम विभाग ने राज्य में 19 अक्टूबर तक तेज बारिश की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के निवासियों और राज्य में आने वाले पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की भी संभावना जताई गई है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।